टेक्निकल राइटिंग टेक्निकल राइटिंग की देखते हैं डेफिनेशन या इसमें क्या है टेक्निकल रिपोर्ट राइटिंग इज नॉट ईजी फीसड यू हैव टू मेक श्योर दैट इट इज़ रिटन इन अ क्लियर एंड कंसाइज मैनर यू हैव टू ट्रांसलेट द नंबर फार्मूला एंड अदर एब्सट्रक्शन इन टू एन अंडरस्टेंडेबल रिटर्न फॉर्म टेक्निकल राइटिंग में क्या होता है कि वो एक बिल्कुल भी आसान काम नहीं है लिखना आपने उसके अंदर आपने बहुत ही क्लियर मैनर के अंदर और बहुत ही जितनी भी उसके आप अच्छी समरी कर सकते हैं जिसके अंदर मीनिंग ख़त्म ना हो सब चीज़ें मीनिंगफुल भी ऐड की हुई हूँ और कंसाइज वे में लिखी हुई होनी चाहिए आपको आपने जो भी नंबर्स, फार्मूला और जो भी एक्सपेरिमेंट वगैरह किए हैं वो सब चीज़ रिटर्न फॉर्म के अंदर आपने रीडर uh, तक पहुंचानी है वट अबाउट द रक्निकल रिपोर्ट फॉर्मेट ठीक है अब सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये है कि किस फॉर्मेट के अंदर टेक्निकल राइटिंग के अंदर रिपोर्ट लिखनी है दे आर आर अनलिमिटेड वेरिएशन वेन इट कम्स टू टेक्निकल रिपोर्ट रॉइटिंग फॉर्मेट अब जे जितने भी लाइक अनलिमिटेड वेरिएशन्स हैं मतलब अनलिमिटेड पैटर्न्स हैं टेक्निकल रिपोर्ट राइटिंग के वो उन सब पैटर्न्स के अंदर उनके स्पेसिफिक जर्नल जैसे स्पेसिफिक फील्ड्स के अंदर एक्सेप्टेबल होंगे लेकिन ये जो जितने भी लाइक डिफरेंट जगह हैं वहाँ पर डिफरेंट फॉर्मेट एक्सेप्ट किया जाता है हाव एवर सर्टन एलिमेंट्स आर कॉमन इन ऑल फॉर्मेट्स तो लेकिन कुछ फॉर्मेट मतलब कुछ एलिमेंट हैं जैसे इंट्रोडक्शन है एबस्ट्रैक्ट uh, लिखना है कंक्लूजन लिखना है उसमें अपने एक्सपेरिमेंट डिस्कस करना है ये सब चीज़ें हर वाले हर टेक्निकल रिपोर्ट राइटिंग में कॉमन होगी प्रोफेसर यूजली लुक फॉर दिस एलिमेंट वाइल असेसिंग योर पेपर्स तो जब आपके प्रोफेसर्स चेक कर रहे होते हैं आपकी टेक्निकल रिपोर्ट तो वो इन एलिमेंट्स को देखते हैं लेकिन फॉर्मेट के जो मिस्टस हैं वो मोस्ट ऑफ़ द टाइम वो इग्नोर कर देते हैं लेकिन वो भी फॉर्मेट को फॉलो करना भी इम्पोर्टेंट होता है लेकिन अगर ये वाले एलिमेंट्स मिसिंग हो गए जैसे एबस्ट्रैक्ट है या मैथोडोलोजी है या इस टाइप के तो उसको प्रोफेसर फॉरगो नहीं करेंगे हाउ टू राइट अ टेक्निकल रिपोर्ट अब किस तरह टेक्निकल रिपोर्ट लिखनी है इसके बारे में पढ़ते हैं फ्राम बैचलर्स टू डॉक्ट्रेट यू कैन बी एज टू राइट अ टेक्निकल रिपोर्ट फॉर डिफरेंट प्रोग्राम्स नो मैटर वॉट परपज इज द फॉलोइंग स्टेपनली हेल्प यू रे रिपोर्ट विद ईज जब आप बैचलर्स में एडमिशन लोगे या डॉक्टर पी तक जाओगे इन सब टाइम के अंदर आपको डिफरेंट टाइम्स के अंदर टेक्निकल रिपोर्ट्स लिखनी पड़ेंगी जो आपके सिलेबस की डिमांड होगी उसका पर्पस कुछ भी हो सकता है लेकिन अगर आप जो अभी आगे इसके स्टेप्स बताने वाले हैं वो उनको फॉलो करेंगे तो आप आसानी से टेक्निकल रिपोर्ट लिख सकते हो सबसे पहली और सबसे इम्पॉर्टेंट बात जो उनसे आपने टेक्निकल uh, रिपोर्ट के अंदर फॉलो करनी है नंबर वन राइटिंग द एबस्ट्रैक्ट फॉर अ ग्रेटर टेक्निकल रिपोर्ट द एबस्ट्रैक्ट शुड एक्सप्लेन प्रॉपरली द यूनिक एक्सपोनेंट ऑफ द पेपर एंड अ कंसाइज समरी ऑफ द टॉपिक अलॉन्ग विद कंक्लूजन इट्स शुड बी अराउंड थ्री फिफ्टी वर्ड इंक्लूड दिस एज द फर्स्ट पॉइंट ठीक है सबसे पहला पॉइंट जो उन है वो आपने एब्स्ट्रैक्ट लिखना है और जो एब्स्ट्रैक्ट है वो प्रॉपर लिखा हुआ होना चाहिए प्रॉपर एब्स्ट्रैक्ट से मतलब ये है कि जो आपका मटीरियल जो जिस चीज़ पे आपने रिसर्च करनी है या जो आपका पूरा मेथड है या जो भी पैटर्न है उसकी प्रॉपर समरी होनी चाहिए कंसाइज समरी होनी चाहिए कि उसमें से कोई भी इम्पॉटेंट पॉइंट पॉइंट मिसिंग ना हो और सब पॉइंट्स को अच्छी तरह एक्सप्लेन किया हुआ हो लेकिन वो भी समरी के वे में डिटेल में नहीं ठीक है टॉपिक भी उसका होना चाहिए और विध कंकू कंक्लूजनस जो एक्सपेक्टेड कंक्लूजन है वो तो स्टार्ट में होंगे फाइनली जो आपका कंक्लूजन है उसकी भी एक लाइन बीच में ऐड होनी चाहिए इट शुड बी अराउंड थ्री फिफ्टी वर्ड्स थ्री फिफ्टी वर्ड्स के अराउंड होना चाहिए ओके okay, सेकेंड जो इम्पोर्टेंट चीज़ है टेक्निकल राइटिंग में लिस्ट डाउन द एक्सपेरिमेंटल डिटेल्स अब आपने बीच में क्या करना है एक्सपेरिमेंट जो आप कर रहे हैं उसकी सारी की सारी डिटेल्स ऐड करनी है मोस्ट ऑफ द टेक्निकल रिपोर्ट्स रिवॉल्व अराउंड डिफरेंट एक्सपेरिमेंटल वर्कस टेक्निकल रिपोर्ट के अंदर नॉर्मली क्या होता है कि वो एक्सपेरिमेंट वर्क उसमें होते हैं इन दैट केस यू हैव टू इंक्लूड अ सेक्शन दैट सेज एक्सपेरिमेंटल डिटेल्स तो अगर आप वाकई ही एक्सपेरिमेंट पे काम कर रहे हो या आपने कोई एक्सपेरिमेंट करना है और उसके रिजल्ट शो करने हैं तो उस केस में आपने क्या करना है कि एक एक्सपेरिमेंट डिटेल के टाइटल के साथ आपने एक सेक्शन ऐड करना है अपने रिपोर्ट में यू नीड टू इंक्लूड द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन इन दिस सेक्शन और इस सेक्शन के अंदर आपने ये वाली डिटेल्स ऐड करनी है जो नंबर वन नंबर टू में और उससे नेक्स्ट डिस्कस की हुई हैं नंबर वन में है मेंशन द इक्विपमेंट दैट यू हैव यूज्ड इन एक्सपेरिमेंट अलोंग विद इट्स मॉडल नंबर एंड नेम आपने जो भी इक्विपमेंट यूज़ किया है अपनी लाइक uh, एक्सपेरिमेंट like, के लिए उसका मॉडल नंबर और उसका नेम जो सा है वो आपने इस वाली अपनी टेक्निकल रिपोर्ट के अंदर ऐड करना है ताकि उसको रीडर एनाल कर सके कि वो किस टाइप का इंस्ट्रूमेंट था और उसका मॉडल नंबर कौन सा था नंबर टू मैंशन द टेस्टिंग कंडीशन एंड एन्वामेंटल कंडीशन इफ़ रिकॉयर्ड रेफर टू द फिगर्स एंड डाइग्राम बेटर रेफरेंसेज अब आपने क्या करना है आपकी टेस्टिंग कंडीशनस क्या थी इन्वायरमेंट का उस टाइम क्या रोल था तो वो सब चीज़ें भी आपने मैंशन करनी है वो आगे आगे कहते हैं कि अगर कंडीशंस uh, चेंज हो रही हैं या अगर मतलब टेस्टिंग कंडीशन और इन्वामेंट्स को आप फिगर्स और डायग्राम्स के अंदर शो uh, करेंगे तो वो ज़्यादा बेहतर होगा दैन कम्स फॉर द टेस्ट अब आपने क्या बाउंड्रीज या क्या लिमिटेशन सेट की हैं अपने एक्सपेरिमेंट की वो सबसे पहले मेंशन कर दें नंबर फोर है इफ़ यू हैड टू चेंज द पैरामीटर ऑफ टेस्टिंग ड्यूरिंग द एक्सपेरिमेंट लिस्ट देम इन अ टेबुलर फॉर्मेट अगर आप एक्सपेरिमेंट करते हुए लाइक काम करते हुए टेक्निकल रिपोर्ट लिखते हुए आप उसके अंदर पैरामीटर्स चेंज करते हो लिमिटेशन चेंज करते हो तो वो टैबलर फॉर्म के अंदर टेबल बनाकर Uh, उसको बीच में इंक्लूड करें ताकि आपका जो रीडर है उसको भी समझ आ जाए दल रिपोर्ट टेम्पलेट इज़ नॉट सिमिलर टू द अदर फॉर्मेट्स ऑफ बिजनेस रॉइटिंग यू मे फाइंड इट चैलेंजिंग टू क्राफ्ट अ प्रॉपर टेक्निकल रिपोर्ट इन द बिगनिंग इंस्टेड ऑफ पैनिकिंग टॉक टू योर प्रोफेसर फॉर द हेल्प अब आपने क्या है कि जो टेक्निकल रिपोर्ट राइटिंग है वो डिफ़रेंट फील्ड्स के अंदर लाइक बिजनेस और साइंस इन सब के अंदर थोड़ी थोड़ी डिफरेंट हो सकती है और शुरू में आपको ये लिखनी मुश्किल भी हो सकती है तो इसलिए उसके बारे में परेशान होने के बजाय जो आपके टीचर आपको पढ़ा रहे हैं स्पेसिफिक सब्जेक्ट के उन पूछेंगे तो वो आपको उसको प्रॉपरली गाइड कर देंगे कि क्या रिक्वायरमेंट है इस सब्जेक्ट की नंबर थ्री इज़ नंबर थर्ड पॉइंट जो आपके टेक्निकल रिपोर्ट राइटिंग में है वो है मेंशन द रिजल्ट्स आफ्टर यू हैव स्टेटेड द इक्विपमेंट्स रिकॉर्ड फॉर द एक्सपेरिमेंट इट इज़ टाइम फॉर यू टू लिस्ट डाउन द फाइनल रिजल्ट्स जब आपने इक्विपमेंट्स बता दी हैं अपने एक्सपेरिमेंट की लिमिटेशन बता दी है तो अब क्या है उसका रिज़ल्ट मैंशन करना बाकी है दिस लिस्डिंग डाउन इज द मोस्ट क्रूशल पार्ट सिंस द रिज़ल्ट डिटर्मेंट वेदर और नॉट योर प्रोफेसर विल रीड द एंटायर रिपोर्ट अब आ, क्या कहते हैं ये रिज़ल्ट सबसे इम्पोर्टेंट है बिकॉज आपके प्रोफेसर बाकी आपका पेपर पूरा रीड करें टेक्निकल रिपोर्ट करें रीड या ना करें आपका ये जो रिजल्ट्स वाला सेक्शन है वो वाला जरूर रीड करेंगे ताकि उनको पता चल जाए कि आपने क्या काम किया है इसके बाद है फिगर वन इज़ एन इमेजनरी ग्राफ ओनली फॉर योर एक्सप्लेनेशन टेबल वन इज़ द इमेजनरी टेक्सट मेट्रिक्स फॉर द एक्सपेरिमेंट अब मैं आपको वो दिखा देती हूँ आपने ये उसका लाइक uh, like, एक एग्जाम्पल दी हुई है कि इस टाइप के आपने रिजल्ट शो करने हैं लाइक फिगर वन भी है और फिगर टू भी है इसके अंदर Uh, जो भी आपने uh, मतलब अगर इस टाइप का एक्सपेरिमेंट है फिजिक्स से रिलेटेड है तो आपने इस टाइप का ग्राफ बना के अपना uh, जो भी रिसर्च वर्क की है जो भी आपकी टेक्निकल रिपोर्ट है आपने इस तरह का कंक्लूजन बताना है ताकि ईजीली अंडरस्टैंड कर सके रीडर या जो आपका टीचर है वो जो उसको चेक कर रहा है नंबर फोर पॉइंट जो टेक्निकल रिपोर्ट राइटिंग में है इंक्लूड द टेबल ऑफ कॉन्टेंट्स Uh, as you must know the table of content tells the reader about what is included in the report highlights the significant sections of the report and include the page number as well professor appreciate it if you include the second and third level headings as well you can even build the table of content automatically in the report with the help of features reference present in your word document अब इसकी एग्ज़ाम्पल जो टेबल ऑफ़ कॉन्टेंट्स हैं वो आपको पता है कि अगर शुरू के अंदर कोई भी बुक हो तो हम ईजीली उसके पॉइंट्स और हेडिंग्स देख लेते हैं कि इस बुक के अंदर ये चीज़ इंक्लूडेड है या नहीं है और उसके साथ अगर पेज नंबर मेंशन होगा तो ऑटोमेटिकली आप उसको अंडरस्टैंड uh, कर लोगे कि इस ये जो टॉपिक है ये इस पेज के ऊपर मेंशन है और आप सिर्फ उसी पेज पर जा कर देख लोगे तो इस चीज़ को बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट किया जाता है और अगर उसकी सब हेडिंग्स भी बना दी जाएंगी तो वो भी आपकी ही फेवर में जाएंगी Point fifth is include the list of figures and tables. This section comprises of related with two different lists. The list of figures will have the listing of all the figures that you have included in the report. Consequently, mention the figures along with the cap captions and the page numbers. The list of table will have the same format. Here is an image for you to understand better. अब ये आपको एग्जाम्पल दी गई है कि आपने लिस्ट ऑफ़ टेबल्स भी बतानी है लिस्ट ऑफ़ फ़िगर्स भी बतानी है, जहाँ जहाँ जो जो चीज़ें आपने मेंशन की हैं वो आपकी लिस्ट इंक्लूड होनी चाहिए कंटेंट लिस्ट के साथ ये भी चीज़ें मेंशन होनी चाहिए नेक्स्ट है एक् एक्नोलमेंट एक्नोलेज हुट्रीब्यूटेड टू योर प्रोजेक्ट just like any other paper the technical report should also have the acknowledgement section mention anyone's name who has been involved in the project with you missing acknowledgement section indicates a severe breach of etiquette प्रोफेसर्स मेंल्सो कंसिडर योर रिपोर्ट प्लेजराइज अब क्या है कि जो भी आपने काम किया है उसकी एक्नोलिजमेंट देनी ज़रूरी है जिससे अगर आपने काम uh, किसी का मैंशन किया है उसका भी और जिसने आपके काम के अंदर कॉन्ट्रीब्यूट किया है उसको भी अगर आप नेंशन नहीं करते तो ये मैनर्स में भी नहीं आता और प्रोफेसर्स को ये भी लग सकता है कि आपने प्लेजराइज काम किया है तभी आपने किसी और का नाम मैंशन नहीं किया ये एक सैम्पल है एक्नोलिजमेंट का कि इसके अंदर सब चीज़ें मैंशन है कि किस किस ने उसकी हेल्प की है और किस तरह उसने अपना काम को आगे लाइक कम्प्लीट किया है सेवन पॉइंट इज

और अट्रैक्ट कर सकते हो उनकी अटेंशन अब उसने कुछ टिप्स बताई हैं जो जिनको फॉलो करके आप एक अच्छे इंट्रोडक्शन लिख सकते हैं डू नाट स्टेट एनी थिंग दैट इज नॉट इम्पॉर्टेंट फॉर द रीडर टू नो राइट इन द बिगनिंग कोई भी ऐसी बात जो शुरू में मैंशन करनी ज़रूरी नहीं है उसको मैंशन ना करें नंबर टू है इंक्लूड सेक्शन टेक्निकल बैकग्राउंड अब इंट्रोडक्शन के अंदर आप एक सेक्शन ऐड करें टेक्निकल बैकग्राउंड जिसमें बाकी जो इतनी भी आपने रिसर्च देखी है वो उसमें आप ऐड करोगे इफ़ यू डोंट ऐड द सेक्शन दैन मैंशन द नेसेसरी कॉन्सेप्ट दैट यू हैव यूज इन द एक्सपैरिमेंट अगर आप टेक्निकल बैकग्राउंड वाला सेक्शन ऐड नहीं कर रहे हो तो आपने क्या करना है जो भी इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट हैं जो एक्सपेरिमेंट में यूज हुए हैं जिन कॉन्सेप्ट आपका काम बेस करता है उसको मैंशन ज़रूर करें अज्यूम द टेक्निकल लेवल ऑफ योर रीडर्स एंड रिपोर्ट अकॉर्डिंगली अब आपने क्या करना है अपने रीडर्स का लेवल देखना है रीडर्स का किस लेवल तक वो चीज़ों को अंडरस्टैंड करते हैं उसी लेवल पर आपने रिपोर्ट लिखनी है डू नाट एज्यूम द रीडर नोज एवरी थिंग अबाउट द सब्जेक्ट अब आपने सब चीज़ों को स्किप इसलिए नहीं कर देना कि रीडर को वो पहले से ही पता होंगी और उनको सब नॉलेज पहले से ही होगी एट डिस्कस द एक्सपेरिमेंट अब जो नेक्स्ट पोर्शन आपने करना है उसके अंदर आपने अपने एक्सपेरिमेंट को डिस्कस करना है क्रक्स ऑफ योर रिपोर्ट इज द एक्सपेरिमेंट जो आपकी पूरी रिपोर्ट का निचोड़ है या इंपॉर्टेंट चीज है वो क्या है एक्सपेरिमेंट जिसके ऊपर आप पूरी रिपोर्ट लिख रहे हो दस्ट योर प्रोफेसर विल एग्जामिन दिस पार्ट ऑफ योर रिपोर्ट विद द अटमोस

लिस्ट और अ मेयर कंबिनेशन ऑफ बोथ अब आप क्या कर सकते हो अपने एक्सपेरिमेंट को पैराग्राफ फॉर्म्स में भी लिख सकते हो या आप लिस्ट बना सकते हो और इन दोनों को कंबाइन करके भी एक पैटर्न बना सकते हो देन इंक्लूड ऑल द डिटेल्स इन द डिस्क्रिप्शन इन सच अ वे दैट सम वन वुड टू कैरी आउट द सेम एक्सपेरिमेंट विद दो अब आपने सारी वो चीज़ें मेंशन करनी हैं जिसको फॉलो करके कोई भी वो दोबारा से एक्सपेरिमेंट कर सके इट शुड बी वेरी एंड रिपीटेबल ठीक है आप उसको दोबारा से कोई उसको परफॉर्म करना चाहता हो तो वो उसका पैटर्न को फॉलो कर सके आपकी इतनी सब डिटेल्स बीच में मेंशन हो डिस्कस द नाइन्थ पॉइंट इज डिस्कस द रिजल्ट एंड आउटकम्स It is the most substantive part of the technical report. You need to mention the final result of your experiment and discuss the procedure and principle that led to your final result. अब यहाँ पर आपने क्या करना है वो सब एक्सपेरिमेंट अपना आ, के डिटेल्स बतानी है जिसकी वजह से आप रिजल्ट हासिल कर सके हो टिप्स फॉर द प्रेजेंटिंग द रिज़ल्ट ऑफ योर टेक्निकल रिपोर्ट आर अब जो कुछ टिप्स हैं जिसके साथ आप आ, उसकी आ, एक्सपेरिमेंट सेक्शन को कर सकते हो उसमें कौन सी टिप्स हैं इट इज़ बैटर इट इज़ बैटर इफ़ यू राइट द रिज़ल्ट टेबलर और ग्राफिकल फॉर्मेट ज़्यादा अच्छी बात ये है कि आप उसको टेबल के फॉर्म के अंदर या ग्राफिक फॉर्मेट के अंदर डिस्कस करें ताकि आ, मतलब देखने को वालों को देख के भी समझ आ जाए यू शुड मैंशन द कैलकुलेशन रिकॉर्ड बाई यू टू फैच द रिज़ल्ट अब आपने वो कैलकुलेशन भी लिखनी है जिससे आपने रिज़ल्ट हासिल किए मैंशन द प्रिंसिपल यू हैव अप्लाइड फॉर द एक्सपेरिमेंट आपने वो प्रिंसिपल भी बताने हैं जिन जिनको यूज़ करके आपने एक्सपेरिमेंट किया एवॉड इंक्लूडिंग रॉ डाटा एंड इंटरमीडिएट रिज़ल्ट दैट आर नॉट सेंट्रल ऑफ योर टॉपिक और उन सब चीज़ों को एड ना करें जो जिससे आपने रिजल्ट मतलब जो इसे डायरेक्टली रेलिवेंट नहीं है इफ़ रिकॉर्ड यू कैन इंक्लूड दैम इन दैनिक ऑफ़ योर रिपोर्ट अगर कुछ एक्स्ट्रा मेटीरियल है जिसने इनडायरेक्टली uh, आपके इस एक्सपेरिमेंट में हेल्प की है तो वो अभी आप एड कर सकते हो लेकिन अगर वो इम्पोर्टेंट है अगर उसकी ज़रूरत है तो टेंथ पॉइंट एज कंक्लूड द रिपोर्ट अलॉन्ग विद रिकमेंडेशन इट इज द शॉर्ट री स्टेटमेंट ऑफ द क्रूशल एलिमेंट प्रजेंट इन द रिपोर्ट योर विद द एंड रिकमेंडेशन द एंड ऑफ योर रिपोर्ट शुड कंसिस्ट ऑफ ऑफ एंड अ फ्यू योर एक्सपेरिमेंटल डिटेल एज वेल द टिप्स ऑफ राइटिंग अ कंपाइलिंग कंक्लूजन इंक्लूड्स अब ये कंक्लूजन वाला जो पोर्शन है इसके अंदर आपने क्या करना है कि जो रिस्टेटमेंट करनी है इंपॉर्टेंट बातों की और आपने कंक्लूजन के अंदर जो भी रिकमेंड करना है रेलिवेंट जो स्ट्रॉग रिकमेंडेशन देनी है वो मेन्शन करनी है और जो भी आपका रिजल्ट हैं या एक्सपेरिमेंट की डिटेल्स हैं वो भी थोड़ी सी उसमें ऐड करनी है जो टिप्स हैं उसके लिए है नम सबसे पहले वाला है इंक्लूड एवरीथिंग दैट हैज़ बीन डिस्कस्ड इन द रिपोर्ट वो सब चीज़ें इंक्लूड करनी हैं जो है जो रिपोर्ट के अंदर आपने डिस्कस किए यू शूड नॉट मैंशन एनी यू हैव नॉट एक्सप्लेन एनी इन द रिपोर्ट इस पोर्शन के अंदर आपने कुछ भी ऐसा मेंशन नहीं करना जो पहले आपने मेंशन ना किया हो जो पहले मेंशन किया है बस उसी का कंक्लूजन करना है वही चीज़ें बीच में आनी चाहिए एक्सप्लेन हाउ यूजफुल योर रिज़ल्ट एंड मैथडोलॉजीज़ आर और आपने इस चीज़ पे फोकस करना है कि आपके जो रिज़ल्ट और मेथोडोलॉजी है वो किस मतलब किस तरह लोगों की हेल्प कर सकते हैं मैंशन वट एवर रिस्ट्रिक्शन और लिमिटेशन यू हैव फॉलोड थ्रू आउट द एक्सपेरिमेंट आपने अपना पैरामीटर या लिमिटेशन रिस्ट्रिक्शन वो भी मैंशन करनी है कि आपने किस स्पेसिफिक एरिया में काम किया है राइट द कंक्लूजन एंड द रिकमेंडेशन इन द फॉर्मेट ऑफ रनिंग लिस्ट एंड डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ्स अब आपने कन्क्लूजन किस तरह लिखना है रनिंग लिस्ट के अंदर और डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ्स के अंदर या तो आप लिस्ट भी बना सकते हैं या उसका डिस्क्रिप्टिव पूरा पैराग्राफ लिख सकते हैं जिसमें आप सारी चीजें अपनी डिटेल से बताएंगे थैंक यू ये हैं थे कुछ पॉइंट्स uh, जिनको आप फॉलो करके एक अच्छी टेक्निकल uh, रिपोर्ट लिख सकते हैं